चलिए, और आपको बता दें कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक स्कूल में शिक्षक को गोली मारी गई थी, स्कूल में घुसकर उसका बजरंग दल ने विरोध किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की है और इस तरह की गतिविधियों को निश्चित तौर पर निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। लेकिन जिस तरह वो हमारे कश्मीर में और हमारे भारत में घुसपैठी कर रहे हैं और हमारे कई उन्होंने पदाधिकारियों को मार दिया, हमारे कई ऐसे जन नेता थे उनको मार दिया। आप जानते हैं आतंकवादी क्या होते हैं, हमें उनको सबक सिखाने की जरूरत है। इसीलिए विरोध रूप में हमने यह पुतला दहन किया है और प्रशासन से मांग की है कि इन आतंकवादियों को छोड़ा ना जाए और हमारे CRPF के जवान और सेना के जवान जो कार्य कर रहे हैं सराहनीय है, लेकिन इन आतंकवादियों को सबक सिखाना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पाकिस्तान और आतंकवादी मुर्दाबाद के उपलक्ष में पुतला दहन किया गया है। आतंकवादियों द्वारा जो कायराना हरकत की जा रही है, जो पूरे भारत में जगह जगह ये आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं की हत्या की जा रही है, कश्मीर में अभी फिलहाल में जो हत्याएं हुई हैं, स्कूल में घुसकर जो दो टीचरों की हत्या की गई है, इसके विरोध में बजरंग दल विरोध करता है और गौर निंदा करता है ऐसे कायर हरकतों की। पूरे देश और समूचे विश्व में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही है और हमारे कश्मीर में फिर से 90 के दशक को दोहराने की साजिश रची जा रही है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और समस्त हिंदू संगठन इन चीज़ों का पुरजोर विरोध करते हैं और जो निंदनीय है और कतई समाज में ऐसे लोगों को कोई स्थान नहीं है। आतंकवादी पूर्णतः सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। लव जिहाद और आतंकवादी घटनाओं के द्वारा तो काम चल ही रहा था, लेकिन अभी एक नया प्रसंग सामने आया है कि वोटर आईडी देख करके उनकी पहचान करके सुनिश्चित करके कि ये हिंदू हैं और तय करके उसके बाद उन लोगों की हत्या की जा रही है। दो शिक्षकों की हत्या कश्मीर में हुई, इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे समूचे विश्व में आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी प्रसंग में आज नारगढ़ प्रखंड में विरोध प्रदर्शन के स्वरूप में पुतला दहन किया गया है।